हम सोशल कॉज की बात करते हैं तो जिस तरह से हम सोशल कॉजेस को समझते हैं, लगता है कि कुछ लोग कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, शायद कुछ बदलाव आएगा, कुछ परिवर्तन हम देख पाएंगे समाज में, दुनिया में, वगैरह वगैरह. पर आई थिंक आज एक ऐसा दौर चल रहा है जहाँ स्पेशली लोग जो हैं सोशल मीडिया को अपना रहे हैं अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करने, और इस वक्त में आई थिंक ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, येस आई एम द चेंज, जहाँ पे यूथ को ये अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है कि जो भी आपका ओपिनियन है वो आप फिल्म के द्वारा एक्सप्रेस करें. हम आपको एक टॉपिक देंगे, अ सोशली रेलेवेंट टॉपिक, और जिस तरह से आप लोगों तक कोई संदेश पहुँचाना चाहें आप पहुँचा सकते हैं. इसमें कोई देर इज़ नो जजमेंट हियर, देर इज ओनली इट्स क्रिएटिव, इट्स एक्सप्रेसिव. So I think film is a very powerful and potent and impactful medium. So what better way than, और आजकल तो सब अपने वीडियो शूट कर रहे हैं, तो इसके द्वारा तो लोग मोबाइल फोन पे भी फिल्म शूट करके कॉम्पिटिशन में एंटर कर सकते. हाँ हाँ बिल्कुल. आई थिंक मैंने हर मीडियम में काम किया है, टेलीविजन में, एड फिल्म्स में, तो अब यही थिएटर नहीं किया है और शॉर्ट फिल्म नहीं किए हैं. वही तो खास है इस तरह के एक यू नो इनिशिएटिव का कि आप मुद्दा उठा के फिल्म नहीं बना रहे, वो कभी कभी लोगों को बहुत भारी लगने लगता है. पर अगर मैं अपने तरीके से कोई स्टोरी कहना चाहती हूँ, मैं रास्ते पे कुछ देखती हूँ और मैंने उसको यू नो कैमरा में कैप्चर किया, और इट्स अ वेरी ऑर्गेनिक स्पॉन्टेनियस वे ऑफ टेलिंग अ स्टोरी विद अ मैसेज. ये मैसेज वाली फिल्म्स आजकल काम नहीं करती. कोई ये जानना नहीं चाहता कि ये अच्छा है ये बुरा है, आप ये कीजिए ये मत कीजिए. हम सबके ओपिनियंस हैं और हम सब जानते हैं कि हम किस चीज़ से सहमत हैं नहीं हैं, या फिर वी बिगन टू फॉर्म आर ओपिनियंस एंड वी वॉन्ट टू बी लेट टू फॉर्म आर ओन ओपिनियंस.